हेलो फ्रेंड्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिए गए हैं, When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. ठीक है, चलिए आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार आई इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाय सॉरी तो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर हुआ। तो अगर हम लोग R निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, आर अगर निकालना चाहेंगे तो भी बाय आई हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब देखिए बी क्या दिया गया है, बी हमें दे दिया गया है कितना 12, यहां देखिए आप 12 वोल्ट यहां आपको दे दिया गया है, तो भी इक्वल टू 12 हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, एंड आई इक्वल टू क्या दिया गया है, I इक्वल टू यहां देखिए आपको 2.5 मिलीएम्पियर आपको दे दिए गए। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, I इक्वल टू 2.5 मिलीएम्पियर। तो 2.5 मिलीएम्पियर को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0.0025 एम्पियर। अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इक्वल टू 12, ठीक है 12 क्या है, वी है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई, तो 12 बाय आई हमें क्या प्राप्त हुआ है, देखिए ये जो है हमारा आई है। ठीक है, तो आई जो होता है 0.0025। ठीक है, हम लोग इसको अगर डेसिमल को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें यहां 10000 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 इनको 4 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 100 आता है, उस पे 2 जीरो हमें दे देना है। ठीक है, तो 12 इंटू 4 100 कितना हो जाएगा, 4800 ओमेगा आपका क्या आ गया, आर। ठीक है, अब इसको अगर किलो ओमेगा में हम लोग बदल दें तो क्या हो जाएगा, 4800 बाई 1000। ठीक है, कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, 4.8 किलो ओमेगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इन एडुकेट चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन साइंस के और मैथ के दोनों ही सब्जेक्ट के अवेलेबल है आपको, और साथ ही साथ आप 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।